हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन को हम दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं भाई। पहली जो आपके पास फॉर्म होती है, दैट इज पोल जीरो फॉर्म, पोल जीरो फॉर्म। सेकंड वन इज योर टाइम कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, दो मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पोल जीरो फॉर्म। ठीक है, तो पोल जीरो फॉर्म में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस है। ठीक है, एक तो गेन के होगा राजी। ठीक है, ऊपर जो होगा एस प्लस जेड वन होगा। मान लीजिए दो जीरो है सिस्टम के अंदर, जेड टू डिवाइड बाय, नीचे आपके पास होगा एस प्लस पी वन, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, हम ऐसे लेके चल रहे हो कि सिस्टम के अंदर दो पोल हैं और दो क्या है, जीरो है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो इस वाली रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे राजी, पोल जीरो फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जो एस के रूट्स आएंगे राजे, माइनस जेड वन माइनस जेड टू, ये कहलाएंगी जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे ही एस की जो वैल्यूज आएंगी माइनस पी वन माइनस पी टू, ये क्या कहलाएंगी राजे, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल लेके चलूँ, मान लीजिए जहाँ पे के है एस प्लस वन एस प्लस टू, और जो ये है मान लीजिए एस माइनस वन और एस प्लस थ्री है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है राजी। अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज, यहाँ पे एस होता है, ठीक है, ये मेरे पास जी ओमेगा होता है। ठीक है, ओके, ये सिग्मा प्लस जी ओमेगा होता है इसकी वैल्यू, ये सिग्मा होता है और यहाँ पे क्या होता है, जी ओमेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो एस की जो वैल्यूज है राजी, अगर मैं जीरोज की बात करूँ, जीरोज किस किस पॉइंट पे आ रही है, एक माइनस वन पे एक माइनस टू पे। पोल्स किस किस पॉइंट पे आ रही है, एक वन पे एक माइनस थ्री पे। ठीक है, तो माइनस वन पे जीरो आ रही है, जीरो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं राजी, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस टू हो गया राजी आपके पास। ठीक है, और माइनस थ्री पे क्या आपका पोल है, तो जी मेरे पास पोल हो गया, और पोल कहाँ पे आ रहा है, वन पे आ रहा है। ठीक है, तो पोल को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया भाई, क्रॉस के साथ, ये मेरे पास क्या होगी, पोल्स। ठीक है, और जीरोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, जीरो, ये आपके पोल और जीरो की रिप्रेजेंटेशन होगी, राइट। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन जहाँ तक ओके है, हाँ जी हो जाएगा, बोलो ओके है भाई यहाँ तक, बिल्कुल ओके है। ठीक है, ऐसे जे मिली वेरी फॉर्म होती है राजे, पोल जीरो फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास होती है, बोलो जी, ऐसे ही मेरे पास आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो जो के होगा राजे, ये के कहलाएगा गेन ऑफ द सिस्टम, क्या कहलाएगा, सिस्टम गेन। ठीक है, के क्या कहलाएगा, सिस्टम गेन, ओके। चलिए, अब सेकेंड रिप्रेजेंटेशन आपके पास है राजे, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, आपने इसकी जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है राजे, वन प्लस की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, और एक एस होगा, एस का जो कॉफिशियंट होगा राजे, वो आपको बताएगा टाइम। ठीक है, वो क्या कह रहा है, टाइम कांस्टेंट बताएगा। ठीक है जी, चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है राजे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस, जो क्या होगा, सी एस डिवाइड बाई आर एस होगा, उसका डिनोमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा राजी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे ये ऊपर वाला फंक्शन ही था मेरे पास, ठीक है, ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, जेड वन जेड टू ऊपर से और नीचे से पी वन पी टू कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और आपको पता है के की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, उस के को हम बोलेंगे के डैस वन प्लस, मान लीजिए यहाँ पे बचा टी ए एस वन प्लस टी वी एस, नीचे से आपने पी वन पी टू कॉमन निकाल लिया, मान लीजिए बच गया टी वन एस वन प्लस टी टू एस। ठीक है, तो जे मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी राजी, आपके पास क्या होगी, बोलो बोलो जी, किसकी होगी, बता दो यार किसकी होगी, टाइम कांस्टेंट फॉर्म की होगी, वेरी गुड। और जो आप बोल सकते हो भाई, जो टी ए है दैट इज नथिंग बट वन बाय जेड वन होगा, अरे यही मेरे पास फंक्शन गिवन था ना, भूल क्यों जाते हो भाई, एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू, नीचे क्या था, एस माइनस पी वन डिवाइड बाई, चलो इसको भी प्लस की फॉर्म में ही लिख लेते हैं भाई, एस प्लस पी टू। ठीक है, तो आपने ऊपर से जेड वन जेड टू कॉमन निकाला, तो क्या हुआ, जेड वन जेड टू कॉमन आया, नीचे से पी
पी वन पी टू आ गया, तो बचा क्या, वन प्लस, हाँ जी, एस डिवाइड बाई टी वन, सॉरी जेड वन। अरे भाई बच गया कि नहीं बच गया, बिल्कुल बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे एस डिवाइड बाई जेड टू, नीचे क्या बचेगा, वन प्लस एस बाई पी वन, वन प्लस एस डिवाइड बाई पी टू, यही चीज बच जाएगी ना भाई। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, के डैश, इसको मैंने बोल दिया टी ए टी बी, ये है टी वन टी टू। ओके, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई, टी वी को क्या पुट किया था, जेड टू। ठीक है, ऐसे ही टी वन की वैल्यू क्या थी, वन डिवाइड बाई पी वन, टी टू क्या है आपके पास, वन डिवाइड बाई पी टू। ठीक है जी, और जो के डैश है राजे, उसकी वैल्यू कितनी है, जो पहले के थी उसमें जेड वन जेड टू मल्टीप्लीकेशन में है, डिवाइड बाई पी वन पी टू। ठीक है, इसके अंदर ये जो के डैश होगा राजे, इसको बोलते हैं सिस्टम डीसी गेन। क्या बोलेंगे, सिस्टम डीसी गेन। ओके हुआ, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो, उसमें जो के आपके पास कांस्टेंट टर्म बचेगी वन प्लस एस वाली टर्म के बिना, वो मेरे पास क्या होगा, टाइम डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब डीसी गेन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली कैसे निकल जाएगा, उसको टाइम कांस्टेंट में रिप्रेजेंट कर दो, उसका जो के होगा राजे वो क्या होगा, डीसी गेन। ठीक है, या अदरवाइज आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, उसमें एस की वैल्यू जीरो पुट कर दो। ठीक है, हम आगे बताएंगे आपको डीसी गेन डिफरेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखना तो लिख लो, इफ वी राइट ट्रांसफर फंक्शन इन टू टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म, ठीक है, देन इट्स के डैश, जो के डैश होगा राजी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स, हाँ जी, द सिस्टम डीसी गेन, वो सिस्टम डीसी गेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा भाई, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम गिवन है जीएस, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मान लीजिए फाइव एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन एस प्लस फोर। ठीक है, ये मेरे पास मान लीजिए कोई सिस्टम गिवन है राजी। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम की मैं बात करूं, इसको मैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ऊपर से दो कॉमन निकालो, नीचे से एक कॉमन और चार कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या भाई, वन प्लस वन बाई टू मीन्स पॉइंट फाइव एस डिवाइड बाई वन प्लस एस, हाँ जी, फोर कॉमन निकालो, वन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव एस। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी भाई, इसका मतलब ये टू पे गया, तो टी ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव बाई टू वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव एस डिवाइड बाई वन प्लस एस इंटू वन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव एस। ओके हुआ, बोलो जी, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरे पास राजी हो जाएगा आपके पास, हाँ जी, क्या हो जाएगा, ये फाइव बाई टू क्या हो जाएगा मेरा, डीसी गेन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइव बाई टू। अदरवाइज आप टी ऑफ एस था, इसका अगर डीसी गेन आपने निकालना है, एस की वैल्यू जीरो पुट कर दो। ठीक है, तो फाइव जीरो प्लस टू, नीचे क्या बचेगा, जीरो प्लस वन जीरो प्लस फोर, तो भी आंसर मेरा कितना आ जाएगा राजे, फाइव बाई टू। ठीक है, सिंपल आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है जी, एक नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट डालिए भाई, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है टी ऑफ एस के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू, मान लीजिए यहाँ पे है एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू, कितने भी नंबर ऑफ जीरो और पोल हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका जो न्योमिनेटर है, ठीक है, वो एन एस है और यहाँ पे है एम ओ एस। ठीक है, तो मैं मार के चल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एन एस, मान लीजिए स्मॉल एन है, ऑर्डर ऑफ एम एस, सॉरी डिनोमिनेटर लिख लो डी एस, मान लीजिए वो एम है। ठीक है, ओके हुआ भाई वहां तक, बोलो जी, हाँ जी, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, मान लीजिए डिनोमिनेटर का ऑर्डर मेरा एम है और ऑर्डर ऑफ न्योमिनेटर इज एन। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना भाई, जो ऑर्डर होता है राजे, वो नीचे जो टर्म है, ऑर्डर कौन बताएगा, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई मतलब रोल नहीं है यहाँ पे, आपने एन ऑफ एस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज गिवन है ना, ये चीज गिवन थी, इसके ऊपर
एस की मैक्सिमम पावर कितनी है? बोलो जी, न्यूमिनेटर में 1 है, ठीक है, इसमें एस की मैक्सिमम पावर 1 है, और इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। तो इसका ऑर्डर न्यूमिनेटर का 1 है, डिनोमिनेटर का कितना है? 2। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। इसमें देखिए, इफ एन इक्वल टू एम है, डिनोमिनेटर का ऑर्डर और न्यूमिनेटर का ऑर्डर अगर सेम है, देन ट्रांसफर फंक्शन इज सेट टू बी प्रॉपर। उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इफ एन इज आपका डिनोमिनेटर, क्या एम है ना, तो एम के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे। अगर एम आपका मोर देन एन है, देन ट्रांसफर फंक्शन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली प्रॉपर, ठीक है। इफ एम आपका लेस देन एन है, अगर डिनोमिनेटर का ऑर्डर आपके न्यूमिनेटर के ऑर्डर से क्या है? कम है, मींस न्यूमिनेटर का ऑर्डर अगर ज्यादा है, उस ट्रांसफर फंक्शन को क्या बोलेंगे? देन ट्रांसफर फंक्शन इज सेट टू बी, बोलो, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है भाई, आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है जी। तो इनको डालिए की पॉइंट के अंदर, ये आपके भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके हुआ जहां तक भाई, टाइम कांस्टेंट फॉर्म आपने देख लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, आपके पास कंसेप्ट ऑफ, बोलो जी, कंसेप्ट ऑफ डीसी गेन, ठीक है। तो डीसी गेन कैसे कैलकुलेट करना है भाई, ये हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो लिखिए कंसेप्ट ऑफ डीसी गेन। इसके ऊपर क्वेश्चन भाई पूछ लेते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी गेन। डीसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी जीरो, इसलिए हम एस इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो डीसी गेन आपको दो मेथड से भाई कैलकुलेट कर, सॉरी, दो टाइप का कैलकुलेट करने को आ सकता है, एक तो ओपन लूप, एक क्लोज लूप, ठीक है। तो आप तो ये तो क्लियर है ना, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है आपके पास, दैट इज सी एस बाई आर एस, विच इज नथिंग बट जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, बोलो जी। अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? तो मेरे पास राजे एच एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसको बोलते हैं राजे? बोलो, जी एस एच एस की जो प्रोडक्ट होती है इसको हम क्या बोल देते हैं? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए, अबाउट डीसी गेन हम अगर देखें, अबाउट डीसी गेन, ठीक है, तो डीसी गेन के अंदर हम क्या करेंगे, फटाफट बता दो भाई। तो डीसी गेन इज कैलकुलेटिंग, बोलो, बाय पुटिंग एस इज इक्वल टू जीरो। ऐसा अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा राजी? डीसी गेन आ जाएगा। लेकिन एस कब पुट करना है जीरो? जब मेरे पास क्या होगा? टाइप जीरो सिस्टम का होगा, ठीक है। टाइप कैसे पता चलती है? जो ओरिजिन के ऊपर कितने पोल हैं वो मुझे बताएगा टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हम एरर एनालिसिस के अंदर डिफाइन करेंगे भाई आपके टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर हम पोजीशन एरर कांस्टेंट निकालेंगे, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकालेंगे, और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट निकालेंगे, जिनको केपी, केवी और केए बोलते हैं, ठीक है। तो डीसी गेन का सिंपल सा मतलब कि आप एस की वैल्यू जीरो पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा आपका 99% टाइप जीरो के ऊपर होगा, उसमें आप एस जीरो पुट कर दो, या फिर उसको और सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो उस केस में जो के डैश होगा राजे, वो नथिंग बट डीसी गेन कहलाएगा, ठीक है। ये चीज भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है जी। अगर इसके अंदर क्वेश्चन दो बनेंगे, पूछा जाएगा फोर फाइंड डीसी गेन, कौन सा डीसी गेन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो आपने क्या करना है? पुट एस इज इक्वल टू जीरो इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। फिर आपको ऐसा भी कैलकुलेट करना आ सकता है, फाइंड
ओपन लूप डीसी गेन, सिंपल ऐसी वर्डिंग। तो आपने एस इज इक्वल टू जीरो किस पे पुट करना रहा जी, इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता था भाई, क्लोज लूप डीसी गेन, क्लोज्ड लूप डीसी गेन, ठीक है। तो ये सभी वही पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बोलो ओके हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। चलिए तीसरा पॉइंट आपके पास जी आ जाता भाई, डीसी गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम आगे टाइम कॉन्स्टेंट में सॉरी टाइम एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है, टाइम एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उसके अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे भाई, एरर कॉफिशेंट, ठीक है। ये जितने एरर कॉफिशेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो हम वहां पे देखेंगे। ओके हुआ? बिल्कुल ओके हुआ सर, ठीक है। तो अगर टाइप जीरो सिस्टम है, ठीक है, टाइप जीरो सिस्टम है, तो सबसे पहले नोट लिखिए, ठीक है, टाइप कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम भी कितने टाइप का सिस्टम है, ठीक है। तो टाइप आपके होते हैं भाई नंबर ऑफ, हाँ जी नंबर ऑफ पोल्स लाइज ऑन ओरिजन इज इक्वल टू टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम आगे फिर देखते हैं भाई टाइप जीरो सिस्टम, तो एरर सिग्नल के अंदर हम टाइप जीरो सिस्टम के लिए राजी हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं ना जी, के पी, ठीक है, पोजीशन, पोजीशन कांस्टेंट, ठीक है, पोजीशन एरर कांस्टेंट बोलते हैं के पी को, ठीक है। तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए हम क्या निकालते हैं राजे, लिमिट एस टेंड टू जीरो, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन जी ऑफ एस गिवन है, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे राजे, पुट कर देंगे आपकी वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा डीसी गेन ऑफ टाइप जीरो सिस्टम, जैसे अभी देखते थे ना सिंपल एस की जगह पे जीरो पुट कर देते थे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट केवी, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेंड टू जीरो, मींस आपने एस से मल्टीप्लाई करना है और साथ में एस की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है, ठीक है। ये डीसी गेन होगा आपके पास टाइप वन सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही के ए लिमिट एस टेंड टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस, ठीक है। आप देखोगे भाई ये मैंने उसके साथ के पी और के वी और के ए इसलिए लगा दिया साथ में, क्योंकि हम ये चीज आगे इसका नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अबे स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना है, उसके अंदर हम ये चीजें लिखेंगे, ठीक है। ये डीसी गेन हो गया ऑफ टाइप टू सिस्टम, अदरवाइज तो अगर टाइप जीरो सिस्टम है तो सिंपली एस इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। अगर टाइप वन का सिस्टम है डीसी गेन कैसे निकलेगा, एस से मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे वाला ऐसा वो कैंसिल हो जाएगा, फिर एस की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही टाइप टू सिस्टम में हम पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे इसलिए बोल रहा था, मान लीजिए मेरे पास जी ऑफ एस गिवन है राजे, आपने इसका डीसी गेन कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू है एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस 13 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको एक चीज पता होता है डीसी गेन इसका आपने कैलकुलेट करना है, आपको ये चीज सिखाई होती है कि एस की जगह पे जीरो पुट कर दो, इसका डीसी गेन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फोर डिवाइड बाय जीरो 13, तो क्या आ गया, इनफिनाइट, जो कि आंसर क्या हो जाएगा राजे, रॉन्ग, गलत, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास टाइप वन सिस्टम है। टाइप वन कैसे पता चला, ये जो एस है राजे, एक एक पोल मेरा ओरिजिन पे है, तो ये क्या है, टाइप वन सिस्टम, ठीक है। तो फोर टाइप वन सिस्टम डीसी गेन कैसे निकालते हैं ना जी, डीसी गेन हम निकालते हैं एस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस ठीक है, अब एस की जगह पे जीरो पुट कर दो, ठीक है, तो ये बचेगा फोर जीरो जीरो 13, ठीक है। तो 4/13 क्या हो जाएगा आपका, डीसी गेन हो जाएगा। समझ रहे भाई मेरी बात, क्या कोई चीज डिफिकल्ट है इसके अंदर, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये मैंने बेसिक से रूल बताए हैं डीसी गेन कैलकुलेट करने के, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं भाई गेट के अंदर। चलिए तो पहला क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है भाई, तो क्या बोल रहा है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रिजल्ट इन आ रिस्पॉन्स, आपके पास आउटपुट गिवन है, ठीक है, सी ऑफ टी गिवन है ई की पावर माइनस टू टी साइन फाइव टी प्लस कॉस ऑफ
5t, ठीक है। फॉर आ यूनिट इंपल्स इनपुट, ठीक है, यूनिट इंपल्स इनपुट आपने दिया, उस केस में ये रिस्पॉन्स आपके पास आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मेरे पास इनपुट इंपल्स होगी, हमने सिग्नल सिस्टम में बहुत डिटेल में बता रखा है भाई, जब मेरे पास इनपुट इंपल्स होगी उसके इसमें जो आउटपुट आएगी, इंपल्स इनपुट देने पे जो आउटपुट आएगा उसको क्या बोलते हैं राजे, इंपल्स रिस्पॉन्स। ओके हुआ यहाँ तक। अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ राजे, तो आर टी का आर एस हो जाएगा, डेल्टा टी का क्या होता है राजे, 1 होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और आपको ये भी क्लियर है एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है राजे, एक्स ऑफ एस होता है, और ई की पावर -2 xt का क्या हो जाएगा बोलो जी, s+2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सी ऑफ टी को हम लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -2t इंटू sin 5t प्लस e की पावर -2t इंटू cos of 5t। और आपको ये भी पता है जो sin 80 या cos 80 है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है राजे, दैट इज इक्वल टू a/s² + a² जैसे cos 80 है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा राजे, s/s² + a² यही चीज होगी भाई बोलो जी, बिल्कुल यही चीज होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ sin 80 का, सॉरी sin 5t का, अगर मैं बात करूँ sin 5t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है राजे वो क्या होगा बोलो जी, 5/s² + 5² दैट इज 25। अब e की पावर -2t sin 5t है, तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे देखिए s की जगह पे s+2 लिख देना सिंपल, तो s+2 का होल स्क्वायर + 25। इसको सॉल्व कर ले राजे, 5/s² + 4s+4, 4 और 25 29। ऐसे ही e की पावर -2t cos of 5t का क्या हो जाएगा राजे, cos 5t का क्या हो जाएगा, इससे देख लेंगे भाई, तो s+2 s+2 का होल स्क्वायर + 25। इसको भी सॉल्व कर ले राजे, तो s+2/s² + 4s+29, ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर ए क्या हो जाएगा राजे, सी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 5/s² + 4s+29 + s+2/ s² + 4s+29। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई जल्दी से बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े भाई आगे बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई अभी बता दो, अदरवाइज मैं फिर आगे इसको लेके चलूंगा, ठीक है जी। चलिए तो अब मेरे पास आप बताओ, क्या एस की वैल्यू कोई ओरिजिन पे है, कोई नहीं है, तो सिंपल बस फॉर डीसी गेन एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे राजी बोलो जी, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर दो भाई, 5s² 0, 4s 0, 29 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 2/29, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 7/29, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी, 7/29, इसको डिवाइड कर देना राजी, तो मैं कर देता हूँ भाई 7/29, तो दैट इज इक्वल टू 0.241, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा राजी, 0.241, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, तो क्वेश्चन भाई आ सकते हैं, ठीक है, डीसी गेन के ऊपर। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया भाई, द ओपन लूप डीसी गेन ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस इज, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट बढ़िया बनाने में, ठीक है। तो एक तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन है, मींस एचएस की वैल्यू 1 गिवन है, जब एचएस आपके पास 1 आ जाए तो उस केस में जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास होता है राजे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन /1 ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास क्या होता है राजे, न्यूमिनेटर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम माइनस न्यूमिनेटर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अब गिवन क्या आपके पास, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भाई गिवन है आपके पास, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास, इसको टी कर लो भाई, क्लोज लूप CLTF, ठीक है। जी आपके पास गिवन है s+4/s² +
7s प्लस 13, ठीक है। अगर आपसे जैसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा, ओपन लूप डीसी गेन, अगर आपसे पूछा जाता क्लोज्ड लूप डीसी गेन क्या होता, तो इसकी टाइप चेक करो, टाइप 0 है तो सिंपल हम s इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो s प्लस 4 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13, इसमें हम s की जगह पे क्या पुट कर देते राजी, 0, तो s इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा राजी, 4/13, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे ही करेंगे, तो इसका आंसर कितना लगा देंगे, 4/13, लेकिन पूछा क्या गया था भाई आपके पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी ओपन लूप डीसी गेन। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। नोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप एस प्लस 4 है, डिनोमिनेटर ऑफ दिस माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये तब होगा राजे जब एच एस मेरा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए तो एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 माइनस एस माइनस 4, ठीक है। तो क्या बचेगा, एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी गेन इसका क्या हो जाएगा, तो आपने कुछ नहीं करना, एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, यहाँ पे एस की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे राजी, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4/9, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखोगे तो एक्चुअल में जो इसका आंसर आएगा राजी, दैट इज 4/9, समझ रहे मेरी बात। तो ये भाई कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द डीसी गेन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भाई पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इनका बड़ी अच्छे वे में सामना करना है, ठीक है जी। आई थिंक आपका डीसी गेन का जो कंसेप्ट है अच्छे वे में बन गया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।